नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कांग्रेस के बड़े नेता और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने झूठ बोलने को सबसे बड़ा पाप माना था। लेकिन उनके नाम के सहारे राजनीति करने वाले महात्मा गांधी की इस बात को ही मानने को तैयार नहीं है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में थी, उन्होंने खूब टीवी पर फुटेज खाए। रात के वक्त उन्होंने यूपी पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए गला दबाने और गिरा देने की बातें की। रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते, इनको तो मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे रोकिए, तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगी। मैं पैदल चलने लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। तो पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई, नहीं फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के टू व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस टू व्हीलर को घेरा, तो फिर मैं उससे उतर गई और यहाँ तक पैदल आई हूँ। चूंकि प्रियंका के आरोप संगीन थे, इसलिए कांग्रेस ने इसको लेकर खूब हंगामा काटा, जमकर नौटंकी हुई। लेकिन अब इस नौटंकी से पर्दा उठ चुका है, क्योंकि प्रियंका के इन आरोपों के बाद जब यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला तो हर बार की तरह प्रियंका को इस बार भी मुंह की खानी पड़ी और अपना झूठ कबूलना पड़ा। दरअसल मामला शनिवार उस वक्त का है जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व आईपीएस एसआर तारापुरी और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ जफर से मिलने जा रही थी। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा भड़काने और दूसरे आरोप में पुलिस ने पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ जफर को गिरफ्तार किया है। प्रियंका को पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया। इस दौरान प्रियंका तेजी से आगे बढ़ते हुए निकल गई थी, लेकिन इसके बाद जब प्रियंका से मीडिया ने बात की तो प्रियंका ने कहा कि मैं पैदल चलने लगी तो मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे पकड़कर धकेला, और ऐसा एक महिला पुलिसकर्मी ने किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर खूब बवाल काटा। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें गला दबाने की बात का जिक्र है। ट्वीट शायराना अंदाज में लिखा गया, चाहे गला दबाओ या धक्का मारो, आवाज कभी न होगी कम, कान खोलकर सुन लो हुकूमत, हम डटे रहेंगे चाहे जितना कर लो सितम। अजय बिष्ट सरकार के जबरदस्ती बल प्रयोग से न तो श्रीमती प्रियंका गांधी डरने वाली है और न ही कांग्रेस कार्यकर्ता, ये ट्वीट में लिखा था। अब कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा के बाद यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला और पुलिस की ओर से इस पर पहला बयान जारी किया गया। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस घटना पर कहा कि मॉर्निंग इंचार्ज डॉक्टर अर्चना सिंह ने एडिशनल सुपरिटेंडेंट को एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की गाड़ी तय रूट पर नहीं जा रही थी, किसी दूसरे रूट पर थी। मतलब प्रियंका ने यह भी झूठ बोला कि उनकी गाड़ी तय रूट पर जा रही थी। इसके बाद लखनऊ की सीओ डॉक्टर अर्चना सिंह, जिन पर यह आरोप लगा था, उन्होंने पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा, यह बिल्कुल सच नहीं है, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा के फ्लैट इंचार्ज थी, किसी ने भी उनके साथ बदसलूकी नहीं की। मुझे करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि मैडम पार्टी कार्यालय से अपने आवास पर जाएंगी। मैडम की फ्लिट उनके मुताबिक ही रवाना की गई। फ्लिट का अगला हिस्सा उनके आवास की ओर मुड़ गया, लेकिन मैडम फ्लिट के साथ न जाकर सीधे जाने लगी। मैं ये जानना चाहती थी कि मैडम कहां जाना चाहती है ताकि उस हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है, इस दौरान मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई है। जब पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ बयान आने लगे तो प्रियंका को बैकफुट पर आना पड़ा। प्रियंका ने कुछ समय बाद अपने बयान से पलटी मारी और गला दबाने वाले बयान से वो मुकर गई। उन्होंने इस बार गला दबाने की जगह गले पर हाथ लगाने की बात कही। प्रियंका के इस झूठ पर बीजेपी ने भी मौज लेने में वक्त नहीं लगाई। पूरे घटनाक्रम को बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की नौटंकी बताते हुए बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पूरा परिवार झूठ पर फल फूल रहा है, इस तरह के काम से उन्हें सिर्फ अस्थायी पब्लिसिटी मिलेगी, वोट नहीं। प्रियंका वाड्रा की नौटंकी की निंदा होनी चाहिए।
हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब यूपी पुलिस और प्रियंका के बीच ठनी हो। इससे पहले भी प्रियंका ने एक झूठा वीडियो शेयर कर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। तब भी यूपी पुलिस ने प्रियंका के झूठ को बेनकाब करते हुए वीडियो और उसके साथ पेश की गई बातों की पोल खोलकर रख दी थी। प्रियंका ने उन्नाव में किसानों के प्रदर्शन का भी एक अधूरा वीडियो शेयर कर किसान को अधमरा बताया था और यूपी पुलिस की इस पर बर्बरता दिखाई थी। इसकी भी पोल यूपी पुलिस ने खोल दी थी। जाहिर है यूपी पुलिस प्रियंका के दांव को लगातार फेल कर रही है, तो उनकी खींच पुलिस पर निकलनी तो बनती है। लेकिन सच की राह पर चलने वाले महात्मा गांधी के परिवार से ये उम्मीद नहीं है कि वो झूठ की सियासत करें। आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी झूठ बोलकर और इस तरह की नौटंकी कर उत्तर प्रदेश में अपना मजबूत जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर वाकई में पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।